हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस, आज संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने आपको एवरेज एज बेसिस क्वेश्चन बताए थे। आज वाले भी जो क्वेश्चन होते हैं कुछ एवरेज बेस होते हैं, जिसको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बनाया था, ठीक है। तो हमने सोचा कि आज संबंधित क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, फिर एवरेज के और क्वेश्चन को लगवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, यहाँ पे राजीव की 5 वर्ष पूर्व आय तथा 9 वर्ष बाद आय का गुणनफल कहलाता है 15 वर्ष है। क्या है गुणनफल हमारा, 15 वर्ष है। तो राजीव की वर्तमान आय बतानी है, राजीव क्या करनी है, वर्तमान आय बतानी है, ठीक है। आइए इस चीज को पहले सीखते हैं दोस्त। एक चीज समझो आप पहले लगाने से पहले, ये प्रेजेंट है, ठीक, मतलब वर्तमान की बात करता है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस समय हमारा क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें 5 वर्ष पूर्व की, तो 2023 से 5 वर्ष पूर्व यानी -5 ईयर पहले, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब कहाँ की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। चलो हम यहाँ पर पास्ट की बात कर लेते हैं। तो पास्ट में अगर देखा जाए तो वो कौन सा, मतलब क्या बोलते हैं कि साल होगा, 2018 होगा, ओके, है ना। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, 9 वर्ष बाद आय का गुणनफल, 9 वर्ष बाद का मतलब क्या है, यानी फ्यूचर की बात करता है। 9 वर्ष बाद में ऐसे दिखा रहे हैं, प्लस लिखते हैं यहाँ पे 9 ईयर, ओके। तो इसका मतलब ये फ्यूचर की बात करने वाला है, किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ओके। तो कह रहा है कि आय का जो गुणनफल है, कह रहा है कितना है, 15 ईयर है। तो राजू की वर्तमान आय बतानी, राजू की वर्तमान आय बतानी। हम यहाँ पे मान लेते हैं जो राजू है, ठीक है, उसकी वर्तमान आय कितनी है, यक्ष वर्ष। यक्ष वर्ष का मतलब क्या, जो प्रेजेंट चल रहा है 2023, उसमें उसकी आय कितनी है, यक्ष वर्ष है, ध्यान से समझिएगा, ओके। तो अगर आपसे कोई कहे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब क्या, 2018 में अगर मैं कहूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका, यक्स -5 होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्त, हाँ। अच्छा, ऐसे ही मैं कहूँ कि 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद का मतलब क्या, फ्यूचर की बात कर रहा है, इसका मतलब यक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को जोड़ना पड़ेगा, बोलो यहाँ तक समझ में आई। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो आपका क्वेश्चन लग गया है। आओ दिखाते हैं, 5 वर्ष पूर्व आय क्या हो जाएगी आपकी, एक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। 9 वर्ष बाद आय कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 9 हो जाएगी। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका गुणनफल कितना है, 15 ईयर है। तो इसका मतलब क्या, हमारा क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपका एक्स माइनस 5 इंटू यक्स प्लस 9 इक्वल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, यक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही उसका मान हो जाएगा। आइए हम करते हैं, इस यक्स का गुणा हम क्या करेंगे, देखो गुणा भी करना सिखा देते हैं। चलो यक्स का गुणा जब किया जाएगा तो यक्स प्लस 9 में पूरा किया जाएगा, फिर माइनस 5 का गुणा किया जाएगा जब हो जाएगा यक्स प्लस 9 में किया जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 15, ओके। अच्छा, अब अगर हम क्या करें, x का गुणा x में करें तो x गुणा x x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x गुणा इसमें करें तो x गुणा 9x हो जाएगा, यहाँ पे गुणा अगर किया जाए तो -5x हो जाएगा, -5 गुणा अगर 9 में किया जाए तो माइनस कितना आ जाएगा, वो 45 हो जाएगा, इक्वल टू 15, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर, अब देखो 9x में से 5x घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस 4x, ओके। अब इस 15 को अगर आप इधर लाओगे तो माइनस आपका -15 हो जाएगा, यानी माइनस ये हो गया 60, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण, क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है और उस चीज़ को भी हम इस क्वेश्चन में बता देते हैं, ठीक। इसको हम मिटा दें, ये सारी चीज़ हमने समझाने के लिए बनाया, ठीक। तो आप कहोगे द्विघात समीकरण होता क्या है यार, आओ बताते हैं।
द्विघात समीकरण दो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये होता है। अब अगर आप डायरेक्ट हल करना चाहते हो तो इसके लिए सिद्धाचार का फार्मूला होता है। क्या सिद्धाचार का फार्मूला होता है? क्या होता है? एक्स की जो वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक। आप चाहो तो इससे भी हल कर सकते हो, इसका कंपेरिजन कर लो, लिखा जाएगा की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू जीरो से करने पर, तो बताओ ए बराबर बाबू यहाँ एक हो जाएगा, ठीक, बी बराबर अगर मुझे बोले एक्स का गुणांक कितना है आपका चार हो जाएगा, सी बराबर अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस सिक्सटी हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। हम इसमें वैल्यू रख लें माइनस बी, बी का मान कितना है चार, तो आपका फोर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोला चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर सोलह, माइनस फोर इंटू ए, ए का मान कितना दिया गया एक, इंटू सी, सी का मान हमारे कितना बाबू माइनस सिक्सटी, ओके, अपॉन टू इंटू ए का मान आपका एक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में देखो सोलह, और ये देखो आपका माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, और चार और इसका गुणा करोगे आपको कितना हो जाएगा 240, चार बड़े साठ बट्टे हो जाएगा दोस्त दो। अब इसको और कर दो माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट, सो ये अगर आप जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा 46 बट्टे दो, ठीक, छप्पन, दो सौ छप्पन हो रहा है, 256 बट्टे दो, ओके। अब इसका और कर गए 256 किसका स्क्वायर है आपका, 256 कितना उसका 16 का, ठीक है, हो जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट है 16 हो जाएगा अपॉन टू, ठीक, तो इसको मिटा दे। अच्छा यहाँ से हल कर देते हैं यार, एक्स की वैल्यू अगर प्लस लोगे, देखो एक्स की वैल्यू अगर प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एक्स बराबर माइनस फोर प्लस 16 बट्टे दो, यानी हल करोगे तो आपका आ जाएगा 12 बट्टे दो, यानी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 6। और एक्स वैल्यू अगर माइनस लेते हो तो आपका हो जाएगा क्या, माइनस फोर माइनस आपका 16 बट्टे दो यानी 20 आ जाएगा बट्टे टू यानी माइनस 10 आएगा, ठीक है। तो माइनस वैल्यू हम नहीं लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 6, मतलब वो लड़का कितने वर्ष का था, 6 वर्ष का, राजू कितने वर्ष का था, 6 वर्ष का, ठीक, ये बात आपको पता चल जाएगी। आप सोचते क्या यार हमारा सवाल गलत है कि सही है, तो इस चीज़ को अगर आप निकालना चाहते हो निकाल के दिखा देते हैं। तो कहा था कि मतलब क्या बोलते हैं कि 9 वर्ष बाद, देखो क्या ना 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 15, वो नहीं होगा, होगा 15, ठीक। अच्छा 5 वर्ष पूर्व, तो बताओ 6 माइनस 5 करोगे 1 आएगा, इनका गुणनफल कितना था आपका 15 के बराबर, तो बताओ 15 गुणे 1 करोगे तो यार 15 नहीं होगा, सर्टिफाइज कर रहा है, इसलिए क्या सवाल सही है। ये तो मैंने आपको बताया सिद्धाचार वाले फार्मूले सॉल्व करने, ठीक, आओ उस तरीकों से को सीखते हैं जिससे हम लगाते हैं। तो सिद्धाचार भी हमने आपको सिखाया, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है। आइए देखो बाबू, द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका पहले सीख लो, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। इसका रूल होता है, क्या होता है रूल, ध्यान दीजिएगा, ए गुणे सी, ठीक, ए गुणे सी किया जाता है पहले, ए गुणे सी करने के बाद अगर माइनस आता है, क्या आता है माइनस आता है, तो ये जो एक्स का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है जोड़ने पे प्राप्त होगा, एक्स का गुणांक कैसे प्राप्त होगा, जोड़ने पे प्राप्त होगा। अगर ए गुणे सी का गुणा करने पर आपका प्लस आता है तब आपका क्या होगा, ये एक्स का गुणा क्या जोड़ने पर प्राप्त होगा, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, यानी ये गुणे सी का अगर गुणा करने में माइनस आता है तो आपका जो एक्स का गुणांक है वो क्या होता है घटाने में प्राप्त होगा, क्या होगा घटाने में प्राप्त होगा। अभी हम आपको करके दिखाते भी, आइए इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, आप मुझे बताइए, अब देखो ए गुणे सी करोगे तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या एक है ना, एक हो गया गुणे, यहाँ क्या आपका सिक्सटी है माइनस सिक्सटी हो गया बराबर क्या हो जाएगा माइनस साठ,
यही बात बच्चे के नहीं पता रहती, बड़ा कंफ्यूजन में है कैसे का जोड़ेगी घटाएगी ये होता है। अब देखो अगर 60 को आप तोड़ोगे बताओ क्या हो जाएगा, 10 छक्का 60 होता है ठीक। माइनस सिक्स क्या शो कर रहा है, ये 10 छक्का 60 जो हो रहा है वो घटाने पे मिलेगा, तब बताओ 10 में से 6 घटाओगे 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसीलिए इसको जब भी लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4 के स्थान पे क्या आ जाएगा 10 - 6 × x - 60 = 0। ओके इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x - 6x - 60 = 0। अब अगर आप इसको हल करते हो तो यहाँ पे x कामन लोगे तो x+10, यहाँ पे -6 कामन लोगे तो x+10 = 0। इसका मतलब x+10 अदर ब्रैकेट में हो जाएगा x-6 = 0 ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि x+10 = 0 यानी x = -10 जो क्या होगा अमान्य वैल्यू होगी, क्या होगी अमान्य वैल्यू होगी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यक्स, अब ये वाला इसको लोगे x-6 = 0 तो यक्स बराबर का आ जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं यक्स की राजू की उम्र कितनी 6 वर्ष है। फिर अगर आपको कंफ्यूजन है कि हमने जो सवाल लगाया है सही है कि गलत है तो इसका जांच कर सकते हो, जैसे कहा 9 वर्ष बाद तो इसमें 9 वर्ष अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व तो यानी 5 वर्ष पूर्व कह रहा था, इसका मतलब 6 में से अगर 5 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। अब इनका गुणनफल कह रहा था 15, तो बताओ 15 × 1 करोगे तो 15 नहीं आएगा आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सवाल क्या जो लगाया आपने वो क्या है सही ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को लगाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है बाबू हमारा क्वेश्चन है ए बी सी की वर्तमान आय का योग कितना है 90 वर्ष। ए बी सी की वर्तमान आय का योग कितना है 90 वर्ष। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए बी सी वर्तमान आय का योग क्या है 90 वर्ष है ठीक। तो मान लेते हैं इसका मतलब ए धन बी धन सी क्या है आपका 90 ईयर। ओके कह रहा है 6 वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात कितना 1:2:3 है। आओ फिर समझते हैं, फिर बात होती है प्रेजेंट की। प्रेजेंट की बात किया जाए 2023 की ठीक, 2023 की। अब कह रहा 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 वर्ष पूर्व यानी पास्ट की बात करने लगा। कितने की बात होगी अगर आप 6 ए में 6 घटा लेंगे आप इसमें से तो कितना हो जाएगा 17, 2017 की बात कर रहा है। उस समय कह रहा है कि जो रेशियो था किसमें ए बी सी में, ए बी सी का रेशियो जो था वो कितना था आपका 1:2:3 था, 1:2:3 था इसमें रेशियो जो था ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे था रेशियो ना कि a:b:c का रेशियो दिया था 1:2:3 दिया था। ओके तो अगर मैं प्रेजेंट की निकालूं, अगर मैं प्रेजेंट की निकाल, अब बताओ इसका आपका रेशियो, रेशियो मैंने पढ़ाया रेशियो मतलब आप समझ रहे हैं, इसका गुणांक आप कुछ भी मान सकते हैं। आप x मानना चाहते हो तो ये हो जाएगा क्या x:2x:2 आपका 3x हो जाएगा, यानी ए की आय x वर्ष, बी की आय आपके 2x और सी की आय क्या होगी 3x वर्ष रही होगी। अगर आप y गुणांक मानना चाहते हो तो ए की आय जो हो जाएगी y वर्ष हो जाएगी, बी की आय क्या हो जाएगी 2y हो जाएगी, सी की आय कितना 3y होगी। अगर आप k गुणांक मानोगे तो ए का आय कितना आ जाएगा k वर्ष हो जाएगा, बी की आय आपका 2k वर्ष हो जाएगा और सी का 3k। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा तो अब हम आपसे अगर कहें 6 वर्ष मतलब प्रेजेंट में क्या होगी, क्या प्रेजेंट में क्या होगी, तो आप कहोगे सर आप प्रेजेंट में निकालना चाहते हो तो एक्स में 6 जोड़ लीजिए रेशियो, फिर इसके बाद 2x+6 कर लीजिए सर, फिर इस 3x+6 कर लीजिए, यही कहोगे। तो इसका मतलब प्रेजेंट में अगर मैं निकालना चाहूँ तो a:b:c जो आएगा वो आएगा x+6:2x+6:3x+6 हो जाएगा ठीक। अब हमें इक्वेशन दे रखा है, ए का आपका इतना, बी का इतना, सी का इतना है
अब यही रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका x प्लस सिक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 90 वर्ष। ओके सबको जोड़ो, देखो x और 2x और प्लस 3x हो जाएगा क्या आपका 6x और प्लस 6 है आपका 18 बराबर हो जाएगा 90। बताओ 6x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 18 और घटा लीजिए 72 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा वो आपका 72 बटे 6 यानी 6 कन्नम 6 6 दूनी 12 तो x का मान कितना आएगा 6 आ गया। अब हमें वर्तमान आय पूछा है, क्या कहा बाबू वर्तमान आय c की वर्तमान आय पूछा, बताओ c की ये वर्तमान ही आय तो है, तो c की वर्तमान आय क्या हो जाएगी आपकी 3x प्लस 6 यानी 3 गुणे 12 प्लस 6 12 तीन 36 और 42 वर्ष हो जाएगी। ओके बस समझ में, इस तरह से इस क्वेश्चन क्या किया जाएगा लगाया जाएगा। ओके चलिए इसको मिटा, अच्छा यही पे मान लीजिए आपको कहता है ए की वर्तमान आय तो आप क्या करते 12 में 6 जोड़ दे 18 वर्ष हो जाता है, कहता कि बी की तो आप 2 गुणे एक्स प्लस सिक्स कर लेते थे बी की आय आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आप चाहते थे इसको एक लाइन में भी लगा सकते थे, आप देख रहे हो 1:2:3 दिया ही है रेशियो है ना, अब वो पूछ रहा है प्रेजेंट की, प्रेजेंट का मतलब आपको 18 जोड़ना पड़ेगा सब में 6 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाता, तो मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट सबको जोड़ लेते प्लस 18 बराबर 90 कर देते आराम से आ जाता, ठीक है और इक्वेशन भी नहीं बना पड़ता। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के, चलिए ये क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है आपका ए तथा बी की आय का अंतर दिया हुआ कितना 16 है, ए तथा बी की आय का अंतर कितना दिया है 16। ओके 6 वर्ष पहले कह रहा है ए की आय बी की आय क्या थी 3 गुनी थी, ए की आय बी की आय क्या है 3 गुनी है, यानी 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले को सवाल होने प्रेजेंट अगर है, प्रेजेंट अगर है अगर मैं मानूं प्रेजेंट में एक्स रही होगी ठीक, तो 6 वर्ष पहले की बात अगर मैं करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहां से 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले अगर देखो यहां पहले 6 वर्ष पहले की आय की 3 गुनी कह रहा है ना, 6 वर्ष पहले यहां तो होगा ना, तो आपका क्या कह रहा है आपका ए इस टू अगर बी निकाला जाए ए की आय बी की आय क्या है 3 गुनी है, तो ए की आय बी की आय की 3 गुनी इसका मतलब यही होगा, तो इसका मतलब ये होगा अगर ए की आय बराबर 3x रही होगी तो बी की आय क्या रही होगी आपकी x रही होगी, बी की आय x रही होगी, तो अगर आप प्रेजेंट में निकालोगे बताओ क्या आ जाएगा ए की आय हो जाएगी कितना 3x प्लस 6 और बी की आय कितना आ जाएगी बाबू x प्लस 6 हो जाएगी। ये तो है, अगर सवाल में देखो एक आइडेंटिटी क्वेश्चन इनका अंतर कितना आपका है 16 है, तो आप सो देख लो अंतर यहाँ पे, यहाँ वैल्यू रख दो ए का मान रख दो बी का, यानी आपका 3x प्लस 6 और माइनस x प्लस 6 बराबर 16, बताओ घटाओगे तो 3x प्लस 6 माइनस x और माइनस 6 बराबर 16, 6 से कट जाएगा 3x में आपका x घटेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 16 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 वर्ष, क्या हो जाएगा 8 वर्ष, प्रत्येक की वर्तमान आय क्या रहा तो बताओ वर्तमान आय क्या है 1 पर, तो 3 गुणे 8 धन 6 यानी 24 30 वर्ष हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 धन 6 यानी 14 वर्ष हो जाएगा। आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत है कि सही है इसका इसकी चेक इसको चेक भी कर सकते हो, देखो क्या कहता है यहाँ पे 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले आय निकालो तो बताओ 30 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, और अगर इसमें से हम घटाएं 14 में से 6 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, तो अब देखो आपका 8 3 24 नहीं हो रहा है यानी 3:1 हो जाए, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है सही है, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है सही है। इसको एक तरीके से और हम लगा सकते हैं, बात समझ में आ गई हमारा ठीक,
आइए इसको इस तरह से हम लगा सकते हैं, देखो इसको हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। क्या हमारा हम देख रहे हैं कि ए पी आर बी पी आर क्या तीन गुनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा ए इज टू बी अगर निकाले तो थ्री इज टू वन आ गया, आया ना। अब इनका अगर अंतर देखा जाए तो कितना आएगा, दो यूनिट, अंतर कितना आएगा दो यूनिट आएगी, तो टू यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 16। अरे भाई अंतर है ना, अंतर दिया 16, देखो ना यहाँ पे अंतर वर्ग दिया 16, तो एक यूनिट बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8 वर्ष आ गया, 8 वर्ष। अच्छा अब कह रहा कि 6 वर्ष पहले, ऐसा कब था, 6 वर्ष पहले था। अब कहोगे सर मतलब समझ में नहीं आया, अरे यार आज का जो अंतर होगा ना, चाहे तुम आज देखो चाहे 10 साल बाद देखो चाहे 20 साल बाद देखो तो 40 साल बाद देखो, आय का अंतर हमेशा सेम रहता है। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 6 वर्ष पहले चाहे आय का अनुपात दिया उसी के अनुसार हमने क्या किया 3:1 था, इसलिए 2 यूनिट बराबर हमने 16 लिख लिया, तो अब हमारा 8 हो गया। तो अब कह रहा वर्तमान, अतः ये कब है, ये 6 वर्ष पूर्व में है ना, ये बात 6 वर्ष पूर्व की आई थी ना, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बी की आय हमारी हो गई कितना, 1 यूनिट था यानी 8 वर्ष, और अगर ए का निकालोगे तो 3 यूनिट तो 24 वर्ष जाएगी। अब 6 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट, ये 6 वर्ष बाद की उम्र है, तो प्रेजेंट की अगर निकालोगे तो इसमें भी क्या करो 6 जोड़ दो और इसमें भी 6 जोड़ दो, ये आपका 30 वर्ष हो जाएगा, ये आपका 14 वर्ष हो जाएगा, ऐसे भी लगाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही परीक्षा में लगा सकते हो इस तरीके के, जब अपनाओगे तब। यहाँ पे क्या कंसेप्ट हमने अपनाया है कि मान लो मेरे और मेरे भाई की उम्र, आज मेरी उम्र क्या हो मान लो 20 वर्ष हो, मेरे भाई की उम्र 15 वर्ष हो, ठीक, तो 10 साल और अंतर कितने का है 5 वर्ष का, तो 10 साल बाद भी हम दोनों की आयु में जो अंतर होगा वो क्या होगा 5 वर्ष का होगा, 20 साल बाद भी हम दोनों की आयु में अंतर जो होगा 5 वर्ष होगा, या 25 साल पहले अगर कहोगे तो हमारे और उसकी आयु में अंतर जो होगा क्या होगा 5 साल होगा, उसी कंसेप्ट को हमने लगा दिया तुमने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन बाबू है हमारा, ठीक, ये क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र से क्या थी 4 गुना थी, 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या थी आपका 4 गुना थी, ठीक है। अच्छा 8 वर्ष बाद विशाल की आय शेखर की आय में क्या है दुगनी है, क्या है शेखर की आय में क्या है दुगनी है, प्रत्येक की वर्तमान आय बताइए, प्रत्येक की वर्तमान आय बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम क्या है नए तरीके से आपको बता रहे हैं, फिर पुराना तरीका भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये विशाल है, ठीक, ये शेखर है, ध्यान दीजिएगा, ये विशाल है, ये शेखर है, ठीक। अच्छा हम यहाँ पे बात करते, देखो ये दिया 8 वर्ष पूर्व, हम यहाँ पे प्रेजेंट मान लेते हैं कुछ प्रेजेंट, अब आप प्रेजेंट बोलो समझने लगे होंगे, पूरा 2023 की बात मैं करने जा रहा हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन में कहा है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना, पूर्व को नीचे हम दिखा रहे हैं, -8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व जो है इसका जो कह रहा है क्या कि विशाल की अपने पुत्र शेखर की आयु भी 4 गुनी है, मतलब क्या है आपकी इसका अगर 4 रेशियो ये है यानी 4 रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब है शेखर की आयु से 4 गुना है ना विशाल की आयु, 4:2 क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा फिर अगर 8 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट में 8 वर्ष बाद ऊपर जाना पड़ेगा, यानी प्लस हम बोलेंगे 8 ईयर, 8 वर्ष बाद कह रहा है कि शेखर की आयु की दुगनी होगी, शेखर की आयु की दुगनी होगी, चलो देखो यानी शेखर की आयु की दुगनी होगी ना, तो किसकी आयु की दुगनी, शेखर की, मतलब आपका 2:1 हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है, क्या करना है प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम नए तरीके से आपको बता रहे हैं, ऐसे कैसे लगाया जाएगा इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या किया जाएगा क्वेश्चन में, इसका इसका अंतर निकाला जाएगा, अंतर बोलो डिफरेंस,
अगर इसका अंतर निकाले डिफरेंट निकाले तो टू आएगा और इसका क्या आ जाएगा बाबू, जीरो आएगा। जब ऐसा होगा अगर अंतर बराबर आ जाता दोनों का तो हम तुरंत अभी घटा के तुरंत हम क्वेश्चन को लगा लेते ठीक। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि इनका डिफरेंस एक जगह दो आया है यहाँ पे जीरो आया है, इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम इसका इसका अंतर निकालेंगे। तो फोर में से अगर हम क्या करें वन निकालेंगे कितना आएगा बताओ, थ्री आएगा ना। तो हम इस पूरे में क्या करते हैं थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे ओके। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, क्या इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, टू में से वन जाएगा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। इस पूरे में हम क्या करेंगे वन का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, ताकि जो डिफरेंस निकाला था हमने वो क्या आ जाए बराबर आ जाए, ताकि जो डिफरेंस हमने निकाला था वो क्या आ जाए बाबू बराबर आ जाए ठीक। तो आइए हम पूरा करके बगल में देखते हैं, ये विशाल है ये शेखर है, यहाँ पे हमने सारी चीज लिख रखी है ठीक। चलो ये प्रेजेंट वाली चीज है, तो यहाँ पे अब देखो अगर तीन का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, छः इज टू थ्री हो गया, सिक्स इज टू थ्री हो गया ठीक है। अच्छा ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये आपको इधर आपको दिखा रहा है किसको, माइनस एट ईयर को, ये प्लस एट ईयर को ओके। अब देखो इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा रेशियो, तो फोर इज टू क्या आ जाएगा वन हो जाएगा। अब डिफरेंस निकाल के देखो, देखो इसका इसका डिफरेंस निकालोगे टू आएगा, इसका इसका डिफरेंस निकालोगे टू आएगा, आएगा ना। इसका मतलब अब सवाल को हल किया जा सकता है, अब सवाल को हल किया जा सकता है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, तो जब आपने सिक्स और फोर का डिफरेंस निकाला रेशियो का, तो यहाँ भी टू आया यहाँ भी टू आया, इसका क्या मतलब है। अगर मैं इनका डिफरेंस बताऊं कहूं, मतलब इनका डिफरेंस मतलब आठ वर्ष बाद और आठ वर्ष पहले इनका डिफरेंस अगर देखूं तो बताओ सोलह होगा कि नहीं होगा, बोलो सोलह होगा कि नहीं होगा। अरे यार ये आठ वर्ष नीचे है ये आठ वर्ष ऊपर, तो डिफरेंस क्या आठ यहां से आठ यहां, तो दोनों का गैप कितना हो रहा, सोलह नहीं हो रहा है, ये सोलह हो गया, सोलह ईयर आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहीं पे हम क्या करेंगे अब अगर देखें हम यहाँ से, तो ये गैप ये जो डिफरेंस हम इसी को हम मेंटेन करना चाहते थे, यानी अब इसको हम यहाँ से ऐसे हटा के यहाँ से भी देखें तो प्लस टू आ रहा है, यहाँ से भी देखें तो प्लस टू या माइनस टू आ रहा है, यानी गैप उनका डिफरेंस बराबर आ रहा है। इसी को लिखा जाएगा दो यूनिट बराबर कितना बाबू सोलह वर्ष, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आठ वर्ष, एक मिनट बराबर क्या जाएगा आठ वर्ष। अच्छा अब अगर आप चाहते हो कि आठ वर्ष पूर्व आय कितनी थी ये निकालना चाहते हो, तो चताओ चार यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से चार यूनिट बराबर क्या आ जाएगा चार गुणे आठ, बत्तीस वर्ष होगा कि नहीं होगा। और ये किसकी आय होगी, विशाल की आय होगी, लेकिन कित कब आठ साल पहले, और एक यूनिट बराबर तो आपका आठ वर्ष आया ही है। क्वेश्चन में क्या कहा, प्रत्येक की वर्तमान आय बताइए, क्या वर्तमान आय, वर्तमान आय बताओ, यही तो यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी ना। ये आया कितना, ये आया बत्तीस वर्ष, ये आया कितना तो आठ ईयर यानी आठ वर्ष। तो हम कह रहे हैं वर्तमान बताना, तो आठ अगर इसमें इसमें अगर आठ जोड़ दिया जाए तो चालीस होगा नहीं होगा, और इसमें अगर आठ जोड़ दिया सोलह वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा ना। अच्छा अगर मान लीजिए सपोर्ट है, आप क्या करते इसको ना निकाल के इसको निकालते, छः यूनिट बराबर लेते, छः यूनिट बराबर करते क्या होता था, छः गुणे आपका आठ होता, अड़तालीस ईयर आ जाता था आता। अच्छा और इस तीन यूनिट बराबर निकालते तो कितना आता, तीन गुणे आठ मतलब चौबीस ईयर आता, आता कि नहीं आता। ये क्या आता, ये प्रेजेंट के आठ साल बाद की उम्र आती फ्यूचर वाली, लेकिन हमको बताना है प्रेजेंट वाले, यानी हमको बताना है प्रेजेंट वाले। तो प्रेजेंट वाले बताने के लिए आप इसमें से बताओ आठ घटाना पड़ेगा ना, देखो चालीस वर्ष आया नहीं आया वही आ जाएगा, आप इसमें से आठ घटाओगे तो क्या आ जाएगा सोलह वर्ष आ जाएगा वही तो आएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को क्या किया जाता लगाया जाता है, ये सबसे सिंपल मेथड पड़ता है, ये सबसे सिंपल मेथड पड़ता है ठीक।
अब आपने जो क्या बोलते हैं क्लास 8th और 9th में सीखा था उसको मैं बताता हूँ, फिर आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट से लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं एक बार फिर हम बता रहे हैं, अगर इसका और इसका डिफरेंस बराबर नहीं आता है, यानी देखो इसका इसका डिफरेंस कर लो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ एक में से एक जा रहा था 0 आ जा रहा, तो इसका डिफरेंस बराबर करने के लिए चार बस से देखो अब ऐसे घटाएंगे 3 आएगा, तो इस 3 का गुणा इस पूरे में किया हमने इस वाली यूनिट में, फिर 2 और 1 का डिफरेंस निकाला तो 1 आया था, उस 1 का गुणा हमने यहाँ किया, फिर दूसरा जो गुणा करने पाएगा वो ऐसे लिख लेंगे, देखो 6 और 3 कर लिया, और यहाँ पे क्या किया वो 4:1 हो गया। अच्छा अब अगर हम देखें तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, 3 में से अगर 1 घटेगा तो 2 आएगा, यानी वो 2 यूनिट का डिफरेंस बता रहा है। तो बताओ इसमें से ही घटा रहे हो ना, तो इनका डिफरेंस कितना है, 8 इधर 8 इधर, 8 8 16 होगा ना। अरे यार मान लो प्रेजेंट में 2023 चल रहा है, तो 2023 के 8 साल बाद मतलब 2031 और 8 साल पहले, 8 साल पहले लिख के दिखाएं, ये 2023 है देखो पहले, 8 साल बाद 2031 आएगा, आएगा ना, और 8 साल पहले, 8 साल पहले अगर मैं कहूँ क्या आ जाएगा आपका, 8 घटाओ इसमें तो 13 में से 8 जाएगा 5, मतलब 2015। तो बताओ 2015 और 31 के बीच में कितना का गैप होगा, 16 का नहीं होगा यार, हाँ वही 16 हमने यहाँ पे क्या किया, 2 यूनिट बराबर 16 यूनिट रखा, 1 यूनिट बराबर आपका 8 ईयर आ गया। अब एक यूनिट पर 8 ईयर, अगर अगर ये वाला पहले 8 वर्ष पहले की बात करते थे, यानी जो शेखर की उम्र 8 वर्ष पहले कितनी आई, 8 वर्ष आई, और अगर हम बात करें विशाल की 8 वर्ष पहले तो क्या 4 यूनिट 8 चौक 32, यानी 32 साल है, लेकिन पूछा गया प्रेजेंट, तो 32 में 8 जोड़ोगे 40 और 8 में 8 जोड़ोगे 16, यानी विशाल 40 वर्ष का है और शेखर जो है कितना होगा वो 16 वर्ष का है, क्या है 16 वर्ष का है। इसी बात को मैंने क्या बोलते हैं कहा कि अगर 8 वर्ष पहले 6 यूनिट अगर तुम लेते तो क्या हो जाता, 6 × 8 = 48 हो जाता। फिर मैंने कहा इसका लेते शेखर का तो 3 × 8 = 24 होता, लेकिन प्रेजेंट पूछा गया है, तो प्रेजेंट पूछा गया था 48 में से 8 घटाओगे कितना आएगा वो 40, और 24 में से 8 घटाओगे कितना आएगा 16 आएगा। इस तरीके से क्या किया था इसे लगाया जाता है, ओके। इसको हम उस तरीके से भी आपको चलिए हम समझाते हैं जिस तरीके से आपको क्लास में सर समझाया करते थे आप, ठीक है, लेकिन वो तरीका नहीं हम सीखना, ये तरीका सीखना है सबसे बेहतर तरीका होता है। चलिए ये देखिए आपको जो टीचर थे क्लास 8th में 10th में बताते थे वो कुछ इस तरह से पढ़ाते थे, आओ देखाते हैं। देखो अब ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट मैंने लिखा, चलो फिर समझाते हैं 2023 को भी लेके, ओके। अब 8 वर्ष पहले की बात, यानी बात करते हैं पास्ट की, 8 वर्ष पहले है ना, अगर इसमें से घटाओगे तो 2015 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक। और 8 वर्ष बाद की बात करोगे, 8 वर्ष बाद ये हो गया, बाद अगर ये कहा कि फ्यूचर की, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक। अब ये बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से, 2031 आएगा ना, मेथड सही है सर, ओके 2031 आएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ की क्या कहा, देखो यहाँ से क्या कहा हमारा, कहा 8 वर्ष पहले विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, क्या थी 4 गुना थी, तो मतलब क्या था, अगर देखा जाए तो विशाल और शेखर का जो अनुपात था यहाँ पे 2015 में, विशाल और शेखर का अनुपात था क्या था, 4:1 था, मतलब ये था कि विशाल जो था का 4x था और शेखर का क्या था 2x था, ओके। अगर हम बात करते हैं देखो ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं ध्यान देना, 8 वर्ष बाद कह रहा है, 8 वर्ष बाद विशाल की आय शेखर की आय की दुगुनी है, ठीक। तो अगर हमारा ये पास्ट की बातें हैं तो मतलब प्रेजेंट अगर हम निकालते हैं तो यहाँ विशाल की आय कितनी हो जाती है, यक्स प्लस नो 4x है ना, 4x प्लस 8 हो जाता प्रेजेंट में, और शेखर की क्या हो जाती
यक्स प्लस 8 हो जाता है। ओके, अब कहता अगर मान लो 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद मतलब क्या है 2031 में, 20 साल के आगे क्या आ जाती बताओ, यहां पे क्या प्रेजेंट में 4x प्लस 8 है, प्लस 8 और करना पड़ता है इसमें, इसको आप हल करते तो हो जाता 4x प्लस 16 होता। ओके, इसी बात को जब आप यहां पे लिखते हैं शेखर के लिए तो क्या आता है x प्लस 8 और प्लस क्या होता है आपका 8, तो क्या हो जाता हमारा यहां पे x प्लस 16 वर्ष हो जाता होता। ठीक, अब ध्यान दीजिए आपका, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद विशाल किया शेखर की आय क्या है दुगुनी है, शेखर की आय क्या है दुगुनी है, मतलब हमारा विशाल यहाँ पे शेखर का आय का अनुपात कितना 2:1 है। तो अब रिगार्डिंग टू क्वेश्चन जब आप करते इसी चीज को तो आप लिखते क्या 4x प्लस 16 अपान x प्लस 16 बराबर 2/1। इसी समीकरण को आप हल करते तो आपका x की वैल्यू आती, जो x की वैल्यू आती उसी को हल करके क्या करते हैं आप आसानी से निकाल लेते थे। आप देखो हल करके दिखा भी दे रहा हूँ, 4x16 बराबर 2x प्लस 32, इसको इसमें घटाओगे 2x हो जाएगा और प्लस बराबर ये 16x32 बैठेगा 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 वर्ष, x बराबर क्या आ जाएगा 8 वर्ष। ठीक, अब वर्तमान आय पूछा था तो बताओ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 4×8 = 8 मतलब 40 वर्ष, यहाँ पे 8 + 8 = 16 वर्ष। तो इस तरह से जब हम लोग 8th में या 9th या 10th में थे तो हमारे टीचर क्या करते थे इस चीज़ को लगाते थे, लेकिन ये डायग्राम वो नहीं बनाते थे, समझने में बड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि मुझे भी हुआ है। ठीक है, बहुत परेशान हुआ मैं। चलें आगे चलूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है क्या, रमेश की आय अपने पुत्र की आय भी क्या है 4 गुनी, रमेश की आय अपने पुत्र की आय क्या है 4 गुनी है ना। चलो देखते हैं, रमेश ये हो गया, ये उसका सन हुआ, कितना बाबू आपका 4 गुनी है, यानी ये 4 है, ये क्या है 1, क्या है 1 है, ये प्रेजेंट की है, क्या है आपकी ये प्रेजेंट की आय हुई। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब 5 वर्ष पूर्व यानी -5 ईयर पहले, अब साल उन नहीं लिख रहे आप समझ रहे होंगे। ठीक है, 2023 में से घटाओगे तो क्या 2018 थी का, राहुल की रमेश होगा ना, रमेश अपने पुत्र की आय की, रमेश के अपने पुत्र की आय की 4 गुनी है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आय, राहुल नहीं है अपने पुत्र की आय, गलत लिख दिया, अपने पुत्र की आय से क्या है 9 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बाबू 9 गुनी थी तो रमेश की प्रेजेंट एज बता दी। ठीक है, यहाँ पे 9:2 क्या हो जाएगा हमारा बाबू 1 हो जाएगा भैया। ओके, अब हम क्या करेंगे डिफरेंस देखेंगे, देखो यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो तो क्या 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 0 आ रहा है, तब क्या करेंगे हम इसके डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से देखो इसको घटाया जाएगा 9 में से आपका 1 जाएगा 8, तो इसमें आपका करिए 8 का पूरा कर लीजिए, इसमें आप देख रहे हो 4 में से 1 जाएगा 3, तो इसमें पूरे में 3 का पूरा कर लीजिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा आपका, अब देखो इसमें 8 का गुणा होगा 32:8, इसमें 3 का गुणा होगा 9:27:3 और अब डिफरेंस निकालो, देखो ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसका मतलब सवाल को लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से ना करके इसको ऐसे करके दिखाया जाता है, तो कितनी यूनिट है 5 यूनिट, 5 मिनट कितने बराबर है 6 वर्ष पहले,
देखो ना ध्यान से, ये प्रेजेंट वाला चीज है ठीक, ये 6 वर्ष पहले का, तो गैप और डिफरेंस कितना है 6 वर्ष और 5 वर्ष ना, तो 5 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 5 वर्ष। तो 1 यूनिट कितने बराबर आ जाएगा आपका 1 वर्ष, हो गया। क्या पूछा है रमेश की प्रेजेंट आयु बताइए, रमेश की आयु कितना आपका यहाँ पे देखो 32 है, 32 है ना, तो 32 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 32 × 1 मतलब 32 वर्ष आ जाएगा। ओके, अगर उसके बच्चे की आयु पूछा रहता तो कहते 8 यूनिट बराबर, देखो 8 यूनिट है ना यहाँ पे, 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 × 1 कितना आ जाएगा 8 वर्ष। अब समझो बात, अब आपको लगता है कि हमारा सवाल गलत है कि सही है, इस चीज को अगर आप करना चाहते हो तो आप चेक करके दिखा देते हैं। तो आप बताओ प्रेजेंट आयु कितनी है, कह रहा है 4 गुनी है, तो बताओ 8, 32 और 8 का रेशियो निकालोगे तो 1:4 नहीं आएगा यार, तो आपका क्या सवाल सही है। यहाँ से भी कोई संतुष्ट नहीं होता, 5 साल पूर्व कह रहा है 5 साल इसमें से घटा दो, 32 में से 5 घटाओ कितना आएगा तुम्हारा 27 ठीक, और 5 इसमें से घटाओगे कितना आएगा 3, इसका रेशियो निकालो 9:1 आ रहा है यार, देख 9 गुना था। तो आपका इस तरह से सवाल जो आपने लगाया है वो क्या है सही है, ये तरीका आपका बेहतर तरीका है, कम टाइम लगता है, तो समझाने में लग रहा है तो वैसे बना के यूँ कर देते ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा भैया, अगला कह रहा समीना, क्या समीना, समीना तथा सुहाना की आयु 4:7 क्या है 3। चलो सॉल्व करते हैं, ये समीना है, ये क्या है सुहाना है, इनका आयु का अनुपात कितना दिया है 7:3 दिया है, 7:3 दिया है, ये दिया ना, अच्छा ये 6 देखो ये क्या है, ये प्रेजेंट की आयु है, ये भी ध्यान देना जरूरी है, कब की आयु कह रहा है, ये प्रेजेंट की दिया है अनुपात ठीक है, 6 वर्ष बाद कह रहा है, मान लो 6 वर्ष बाद नीचे मैं दिखा रहा हूँ प्लस, देखो 6 लिखूंगा 6 वर्ष बाद समझना, तब अनुपात कितना कह रहा 5:3। ओके फिर देखो डिफरेंस निकाल के देखो, फिर 0 आएगा, इसका डिफरेंस 0 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें 5 में से 3 को घटाना पड़ेगा, डिफरेंस आएगा 2, 2 का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 में से 3 को घटाना पड़ेगा आएगा 4, इसमें हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है ठीक। अब फिर हम नए तरीके से यहाँ लिखेंगे, ये सुहाना हो गया, समीना हो गया, ये सुहाना हो गया ठीक है, तो बताओ 2 का गुणा अगर 7 में करोगे कितना आ जाएगा 14, और 2 का गुणा 3 में होगा तो अनुपात 6 हो जाएगा, ये किसका है बाबू प्रेजेंट का। ओके अब 6 वर्ष बाद प्लस चिन्ह को रख रहा हूँ, नीचे लिखने को बोलो पहले ही नहीं होता बल्कि प्लस चिन्ह सब शो कर रहा है ठीक है, इसलिए 6 वर्ष पहले का, यहाँ देखो 4 का गुणा इसमें होगा बताओ 20 हो जाएगा 2 ठीक, 4 × 3 = 12 है, अब डिफरेंस देखो समान आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा, देखो 14 में से 20 जाएगा तो 6 आएगा, यार यार 20 में से 6 घटाओ 14 आ जाएगा भाई, 12 में से 6 जाए तभी 6 आएगा ना, इसका मतलब क्या हुआ 6 यूनिट जो है वो बराबर होगी किसके, देखो प्रेजेंट और ये 6 गैप है ना 6 ईयर, तो कोई कहे 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे यार 1 वर्ष होगा। क्या पूछा है इनकी आयु में कितना अंतर है, इनकी आयु में कितना अंतर है, तब बताओ आप यहाँ देखो ध्यान से, 14 में से अगर हम 6 घटाएं प्रेजेंट आयु बताना है, देखो 6 घटाएं कितना आएगा 8 यूनिट आएगा, अरे भाई 14 में से 6 घटाओगे 8 यूनिट आएगा ना, तो वही डिफरेंस होगा यार, इसलिए 8 यूनिट बराबर 8 × 1 मतलब 8 वर्ष का अंतर है। कहोगे सर ये ऐसे नहीं समझ में आया,
ताओ तुमको दूसरे तरीके दिखाते हैं। तो अब देख रहे हो अगर अलग अलग निकाल लो, जैसे समीना की आयु कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष 14 वर्ष हो जाएगी समीना की, और इसकी कितनी हो जाएगी प्रेजेंट की आयु 6 वर्ष सुहाना की 6 वर्ष। इनका डिफरेंस कहा था तो 8 वर्ष नहीं आ रहा है, अनुपात लिख कर लो सबसे बेहतर पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसी सवाल को जब हम लोग टीचर लगा देते तो कुछ इस तरह से लगाते, तो उसको भी देखो अब, क्योंकि जब तक आप उसको देखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कैसे लगाते थे। चल जो हम लोग टीचर तो कैसे लगाते थे, अब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब समझो 2023 की बात, ओके, और 6 वर्ष बाद, चलो इधर ही दिखाते, ये प्लस 6 ईयर है, इनकी आय का अनुपात कह रहा है इतना हो जाता है। कौन है, समीना और सुहाना, ये समीना है ये सुहाना, इनका कह रहा 7:3 है। मतलब क्या मानते थे हमारे टीचर, हमारे टीचर ये मानते थे कि मान लो समीना की आय जो है 7x है, और सुहाना की आय क्या मानते थे 3x मानते थे, ये तो कहते थे वो। अब क्या करेंगे, अगर हम 6 वर्ष बाद निकालें तो आप बताओ क्या कहोगे कि समीना की आय यहाँ हो जाएगी क्या 7x+6, और सुहाना की क्या हो जाएगी दोस्त 3x+6, ये कहोगे। लेकिन कह रहा कि 6 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:3 हो जाता है, यहाँ 5:3 लिखा है, ठीक है, 5:3 हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 7x+6/3x+6 5/3, ओके। अब इसी समीकरण को आप हल कर लीजिएगा, आपको एक्स की क्या हो जाएगी वैल्यू मिल जाएगी। जब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो अब आपको क्या कहा, एज का अंतर बताइए, एज का अंतर बताइए। याद देखो 7x में से 3x घटा दोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा 5x, तो 5x उसका अंतर हो जाएगा, यहाँ गुणा कर लेना x का मान रख के, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका था कौन सा, जो हमारे टीचर बताते थे, ऐसे भी नहीं लगाना था जो बता दिए। अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या, विशाल तथा शेखर की आय का अनुपात 14:1 क्या है, 14:17, 6 वर्ष बाद की आय का अनुपात 17:20 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। चलो ये विशाल हो गया, ये शेखर हो गया, प्रेजेंट में इसकी आय कितनी है 14:17, ओके, 6 वर्ष बाद कह रहा हूँ, मतलब 6 ईयर कर लेते हैं, ठीक। तो 6 वर्ष बाद इनका आय को कितना अनुपात हो जाता है 17:20 हो जाता है। अब अगर इसका अंतर देखो 3 आ रहा है, इसका भी आपको 3 आ रहा डिफरेंस, अब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो यहाँ पे लिखोगे +3 यूनिट आ रहा है, तो +3 यूनिट बराबर आ गया कितना 6 के, 1 यूनिट 2 वर्ष। क्या पूछा है, वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु वाला 1 है तो लिखा जाएगा विशाल की आयु पूछा है तो 14 यूनिट है, यानी 14 × 28 वर्ष, और क्या नाम उसका शेखर, शेखर की आयु कितना 17 यूनिट है, तो शेखर की क्या हो जाएगी 17 यूनिट, यानी 1 यूनिट = 2 वर्ष, इसका हो जाएगा 34 ईयर। अब आपके मन में शक है कि क्या मेरा सवलवा सही है या गलत है, ठीक है, तो आप इनका रेशियो निकाल दो यार, इनका रेशियो निकालो, वर्तमान वाला ही तो है 28:34, देखो काट दो 17 + 14 हो जाएगा और यहाँ पे 17 आ जाएगा। अगर सवाल आपका सही है, फिर नहीं संतुष्टि हो रही हो, 6 वर्ष बाद का कह रहा है तो प्रेजेंट में है ना, 6 इसमें जोड़ो 34 हुआ, इसमें 6 जोड़ो कितना आ जाएगा हमारा 40, इसका निकालो 17:20 आया नहीं है, इसका मतलब आपका सवाल क्या है सही है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन है बेटा ले दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आय का अनुपात 3:4 क्या है, 4 है, 3:4 है, ये मीरा है, ये क्या है प्रिया है, ओके।
इनका वर्तमान आय का अनुपात दिया है 3:4। ओके, 10 वर्ष पहले, अब देखो -10 लिख रहा हूँ यहाँ, ध्यान देना बात को, कहो यार एक बार इसके पहले भी आप ऐसे किए थे, फिर ऐसे कर लो, ऐसे बात नहीं। अब देखो ध्यान से क्या अनुपात हो जा रहा है बाबू, 4:7 हो जा रहा है, हो जा रहा है। डिफरेंस निकाल देखो, इसमें से डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ कितना रहा, 3 हो रहा। इसका मतलब डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे, पहले हम डिफरेंस समान करेंगे। अब देखो इसका 4 से 3 है, प्लस 3 का आ रहा है, इसमें 3 का गुणा करो, ठीक। और यहाँ पे 3:4 है, 1 का आ रहा है, इसमें 1 का गुणा किया जाएगा। यहाँ पे नया आपका बना दो, मेरा और प्रोजेक्ट में यही दिखा रहा है, यही सब कर लेते हैं। यहाँ गुणा करो 3:9:12, यहाँ पे किया जाएगा 4:7। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, 5:5 का, तो लिखा जाएगा 5 + 5 + 5 यूनिट कितने बराबर हो जाएगी बताओ, 10 के, बताओ 1 यूनिट कितने बराबर आ गई बाबू, 2 वर्ष के। क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद मिल जाती है, तो पहले प्रेजेंट तो निकाल लो, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बताओ, प्रेजेंट ये है 9 यूनिट, देखो यहाँ से 9 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष, 2 ईयर 9 यूनिट बराबर का आएगा 2 × 9 = 18 ही है। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, अगर मैं आज क्या बोलते 20 वर्ष का हूँ तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा यार, 25 वर्ष का होगा, 5 जोड़ना पड़ेगा ना, तो ऐसे 5 वर्ष बाद पूछा है, जैसे 5 जोड़ 23 वर्ष की हो जाएगी। यही कहता प्रिया के लिए, तो 12 यूनिट देख रहे हो ना, तो 12 दूनी क्या हो जाता है 24 वर्ष, और 5 वर्ष बाद कहता कितने वर्ष की हो जाती है, 29 वर्ष की, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया होगा, इसको हमारे टीचर जो क्या बोलते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो एलजेब्रा से कैसे लगाते थे, आओ उसको भी सिखा देते हैं एक बार। ये प्रेजेंट होता था, ठीक, अब बका दिया 10 वर्ष पूर्व -10 ईयर, ध्यान देना बहुत, मीरा था प्रिया की आय का अनुपात दिया वर्तमान का 3:4, यानी मीरा और प्रिया 3:4, मतलब क्या है इसका, मीरा अगर 3x है तो प्रिया का क्या आ जाएगी, 4x उसकी एज हो जाएगी। अब अगर 10 वर्ष पहले हम जा रहे हैं, मतलब मीरा की आय कितनी हो जाएगी हमारी, 3x - 10 ईयर, ऐसे प्रिया की 4x - 10। अब इसका अनुपात यहाँ दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा, 3x - 10/4x - 10 = 4/7। इसी को आप सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जब x की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँ कि प्लस 5 वर्ष बाद, तो आप कहोगे सर मीरा की आय जो हो जाएगी ना 3x + 5 हो जाएगी, और प्रिया की जो हो जाएगी 4x + 5 हो जाएगी, बस x का मान इसमें रख दीजिएगा, मीरा की आय मिल जाएगी, ठीक है, हल कर लीजिएगा इसे। अब आखिरी क्वेश्चन बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लगा चुके हैं, इसके पहले ही मैं लगा चुका ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, और क्या कह रहा, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आय का अनुपात इतना है, ठीक, ये ए है ना, अच्छा चलो ए और बी ये दोनों लोग हैं, तो ये प्रेजेंट मान लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट 7 वर्ष पूर्व कह रहा, नीचे आते हैं -7 ईयर को, इस समय आय का अनुपात क्या कह रहा है, 4:5 का, ओके, 7 वर्ष बाद +7 ईयर क्या अनुपात बाबू, 5:6 है, तो बी की वर्तमान आय बता दीजिए, क्या इसकी वर्तमान आय बता दीजिए।
अब दिखता है कितना सिंपल है ना। देखो डिफरेंस निकाल के देखो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 5 और 4 का वर्ग, इसका आ रहा कितना 1। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक। आप एक बात बताओ, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 7 वर्ष उधर, प्रेजेंट से पीछे कितने का गैप है, 14 का है कि नहीं है। अरे यार, 7 है ही, 7 है ही, 14 नहीं हुआ। तो यहाँ भी तो आप देखो अंतर कितने का है, 1 का ही तो है, ठीक। तो यानी 1 यूनिट बराबर हमारा क्या मिल रहा है, 14 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 14 वर्ष। बी की वर्तमान आय पूछ रहा है, तो बी की पहले आय तो निकालो, तो 6 यूनिट बराबर तो आ जाएगा, गुणे 14, 84 वर्ष। लेकिन ये जो आया है 84 वर्ष, वो कब आया, 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष पहले आपका होगा ना प्रेजेंट में, प्रेजेंट का यहाँ होगा। तो आप क्या करिए, 84 में से क्या करिए, घटा लीजिए कितना, 7 वर्ष कितना आएगा बाबू, 77 वर्ष। तो मतलब इसकी आय कितनी आएगी, 77 वर्ष हो जाएगी। अगर इसकी पूछता तो 14 25 70, 70 हो जाता, 70 में से 7 घटा लेते, 63 वर्ष आ जाता है, किसका आपका, 1, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये तरीका जो है आपका क्या है, इससे आपका जल्दी लगता है। अब आपके टीचर जो थे हम लोगों के, वो कुछ इस कदर बताते थे ये प्रेजेंट है, ठीक, ये प्लस 7 ईयर है बाद की बात, ये 7 ईयर पहले की बात। क्या कहा गया, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4:5। वर्तमान बताना, मान लो एक्स रहा होगा, ठीक। तो बताओ एक्स जब मानोगे आप, चलो वर्तमान एक्स का मानोगे, 7 वर्ष पूर्व है, देखो यहाँ क्या है, ए की है 4x, ए बराबर ए की आय कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष, बी की आय हो जाएगी क्या बाबू, 5 वर्ष, ओके। तो प्रेजेंट कितना आ जाएगा आपका, 4x-7 और बी वाले का 5x-7, यह जाएगा। अब 7 वर्ष बाद कहता है, तो लिखा जाता है 7x प्लस, यहाँ भी करके प्लस 7 करते तो कितना आता है आपका, 4x+14, 1 ही आते, किसका आता है, 1 का। ऐसे ही बी का देखते तो 5x+4, 7 तो पहले से है, इसमें 7 और जोड़ देते तो हो जाता क्या, 5x+14 बराबर बी किया था। इसका हम पतवा दे रखा है इतना है, तो हो जाता क्या आपका, 4x+14/5x+14=5/6। इसी को हल करते एक्स का मान आ जाता, प्रेजेंट का पूछा था और बी का, तो यही आपका बी का हो जाता, एक्स का मान रख देते इस तरह से आ जाता, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, थैंक यू।